आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, उसे शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम बनाएंगे चोला फली की सब्जी, कुछ नए स्वाद के साथ, कुछ नए तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। चोला फली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, फलियों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसके दाने निकाल लेंगे। इस तरह से सभी दाने निकाल लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जिन फलियों में फ्रेंड्स दाने मोटे होंगे हम उसे निकाल लेंगे, और जैसे कि ये पतली है फलियां तो उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए सभी फलियों के हमने दाने निकाल लिए हैं और जो फलियां पतली पतली थी उसे हमने काट लिया है इस तरह लंबे टुकड़े। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पाव भर फलियाँ ली थी। अब हम सब्जी को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और उसमें अब फ्रेंड्स हम 1 चम्मच राई ऐड कर देंगे। राई के चटकने के बाद हम 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और जीरे के बाद 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और हींग के बाद 2 कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ी देर सौते कर लेंगे और अब हम दाने डाल देंगे और चोला फली को बस 2 मिनट सौते कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स हम 3 टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था इसे डाल देंगे। टमाटर के साथ 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। नमक और मसाले सभी फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब फ्रेंड्स हम थोड़ी देर इसे ढककर पकाएंगे। जब तक सब्जी हमारी पक रही है फ्रेंड्स, तब तक हम दूसरे गैस पर ऑयल रखकर उसमें आलू फ्राई कर लेते हैं। 3 आलू कट कर लिए थे मैंने फ्रेंड्स। आलू को डीप फ्राई कर लेंगे। आलू को हम डीप फ्राई करके डालते हैं फ्रेंड्स तो सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। यदि आपके बच्चे भी चोला फली की सब्जी ना खाए फ्रेंड्स, तो आप उसमें आलू को डीप फ्राई करके डालें, सब्जी जरूर खाएंगे बच्चे। दूसरे गैस पर फ्रेंड्स हमें वो सब्जी को चलाते भी जाना है साथ साथ में। आलू को डीप फ्राई करते समय फ्रेंड्स उसे बड़े शेप में ही काटें, छोटे शेप में ना काटें। और इस तरह से जब थोड़े से हल्के हो जाते हैं फ्रेंड्स आलू चलाने में और उसकी आवाज़ भी थोड़ी अलग हो जाती है और कलर भी ब्राउन हो गया है थोड़ा थोड़ा, उस समय हमें आलू को निकाल लेना है। वो आपस में चिपकेंगे नहीं, अलग अलग हो जाएंगे अपने आप। जब आलू फ्राई हो जाएंगे अच्छे से तब अब हम आलू को निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद सब्जी को देख लेते हैं एक बार हम। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। रेगुलर मसालों के साथ ही सब्जी बहुत बढ़िया लगती है फ्रेंड्स। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने ग्रीन चिली भी डाली है इसलिए लाल मिर्च कम डाल रही हूँ फ्रेंड्स। मसालों को थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए ऑयल सारा सेपरेट होने लगा है, मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच करीब और हरी धनिया मिक्स कर लेंगे। और अब मैं ऊपर से 1/2 लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। हमने टमाटर भी डाले हैं, आप चाहो तो लेमन को स्किप भी कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे इसे भी हम और अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी रेडी है। तो आपने देखा एकदम झटपट बन जाने वाली सब्जी और स्वाद भी इसका बहुत मज़ेदार लगता है। आपका प्यार यूं ही बनाए रखे। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।